ये स्टोरी ये डरावनी भी है, स्पिरिचुअल भी है, माइंडफुल भी है। एक दफा मेरे पास एक लड़की कार्ड पढ़ाने आई, वेरी गुड लुकिंग, वेरी फिट, बहुत एथलेटिक थी, योगा भी करती थी, और एक इंडस्ट्रियलिस्ट के खानदान की थी, वर्किंग थी, लेकिन वर्क से ज्यादा उसको फिटनेस का शौक था। एक दिन वो आई और उसने मुझे रिक्वेस्ट की कि आप मेरा ऑफिस सीढ़ियाँ चढ़ के कि मुझे आप नीचे प्लीज देख ले, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो सीढ़ियाँ हैं तो नीचे आके आप देखें। खैर वो मेरी बड़ी फेवरेट क्लाइंट थी, फिटनेस फ्रीक थी, मजे की थी, और हमारी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन होती थी। खैर मैंने एक प्रोविजन रखी है कि कोई नहीं आ सकता तो हम नीचे भी देख सकते हैं। मैं गई तो मैंने कहा आपको क्या हुआ कि यार ये थोड़ी सी मोच आ गई है, और मोच आ गई है तो वो मोच के लिए जो पट्टी करते हैं और रेज टांग करके। खैर एनीवे वो उसको कोई बिजनेस के क्वेश्चंस थे और वो अपना एक जिम का प्रोजेक्ट भी शुरू कर रही थी। खैर मैंने कार्ड्स खोले तो पहला कार्ड साहिर विशाल, यानी कि मुझे ऐसे लगे कि वो एक डार्क रूम से मैं गुजर रही हूँ। और जब मैंने उसकी तरफ देखा उस दिन उसने वाइट कपड़े पहने हुए थे और उसका पीच वो पीच कलर का कम्प्लेक्शन था, फ्लॉलेस स्किन। तो मुझे लगा एक छोटा सा एंजल बैठा हुआ है और कार्ड्स डेविल के। ये अर्ली पार्ट ऑफ करियर था। मैंने सोचा ये तो ये क्या हुआ है, ये इतने गंदे कार्ड क्यों आ रहे हैं। सो आई सेड देखे कोई जब हम कार्ड्स सीखते हैं तो ऑफ कोर्स हर कार्ड्स का डिसाइफर होना समझ आती है, लेकिन अगर आप ट्रूली बाय द कार्ड जाए तो उसमें था कि इस पे किसी ने कुछ ऐसी चीज जादू टोना कर दिया है कि मर जाए। अब जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है। मैंने सोचा कि क्या करें। मैंने उसको कहा आप अपना कोई सदका वगैरह दें। तब मुझे सदकात का भी इतनी ज्यादा कोई नॉलेज नहीं थी, तो बाद में रिसर्च की। पहले वो अपनी मेट के साथ हाथ पकड़ के आई थी और व्हीलचेयर एक साथ ही थी। उसके बाद मैंने देखा कि वो 4 दिन, 4 दिन के बाद वो फिर से आई और फिर उसकी दूसरी टांग पे भी सूजन हो गई थी। अब एक टांग पे तो चलो मोच आई है, तो मैंने उसे पूछा कि तुम्हारी दूसरी टांग को क्या हुआ, तुमने क्या रेज नहीं किया, ये इस पे प्रेशर डाला है। उसने कहा मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये मेरे छोटी सी मोच है, मैं फिजियो के भी जा रही हूँ, इसको रेज भी रख रही हूँ, ठीक नहीं हो रही, बल्कि दूसरी टांग में भी हो गई है। और इसी तरह वो रोज आती रही, काले से काले कार्ड होते रहे। अब था तो वो जादू, और जादू किया किसने था? अक्सर जो और ऐसा जादू था कि वो चली जाए, खत्म हो जाए, मर जाए। वो एक सिंगल लड़की थी और किसी को उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि कोई उसको मार ही दे। ना कोई ऐसा आशिक था जो चाहता था कि मुझे रिजेक्शन मिली है तो मैं मार दूं, ना कोई ऐसा भाई था जो उससे जायदाद छीनना चाहता था। ऐसी कोई भी नेगेटिव चीज नहीं थी। खैर जादू तो था। तब मैंने बहुत सारे स्पिरिचुअलिस्ट से कंसर्न किया, कंसल्ट किया, और एक बहुत रूहानी शख्स से मेरी मुलाकात हुई और उनसे मैंने पूछा कि हम क्या करें। तो उन्होंने कहा कि इसके ऊपर मौत की कड़ाई हुई है। मैंने कहा मौत की कड़ाई क्या होती है? उसने कहा जी मौत की कड़ाई होती है कि आप किसी पे ऐसा जादू कर दो कि वो जान ले ले। मैंने सोचा मौत की कड़ाई कैसे हो सकती है। एनीवे वो बेचारी लड़की डिप्रेशन की मरीज बन के रोज आए। आप सोचिए आप योगा करते हो, चलते हो, आपका एक पैर दूसरा पैर, रात को नींद ना आए, दो बंदे आपको वॉशरूम लाने से ले जाने तक, इट वॉज हॉरेबल। कोई उसको सजक सजक के क्यों मार रहा था? उसके हेल्थ कार्ड तो ठीक आते थे। उसको मैंने कहा तो उसने मुझे कहा कि यार अगर मेरे पे जादू है, वो थोड़ी गोरी टाइप, इसने कहा कड़ाइयां बड़ाइया वट एवर यू सेइंग, प्लीज इसको खत्म कराओ। खैर हमने उनसे कंसल्ट किया और उन्होंने हमें काफी तरीके बताए और हमने वो सदकात दिए, जो कलाम बताया वो पढ़ा,
उसको पूरा बेचारे ने खुद, बल्कि हमने साथ बैठ के उसको मैनेज किया, उनके साथ पूरी कॉन्सल्टेशन रखी, एंड आई थिंक दैट वॉज माई ट्रेनिंग पीरियड टू फाइंड आउट। एंड में वो लड़की, एक दिन उन्होंने कहा कि अब सारा कुछ उतर गया, अब मैं इसका हिसार बांध रहा हूँ, यानी कि दोबारा कभी जादू नहीं होगा। ये बहुत जरूरी था, क्योंकि कार्ड में जब मैं देखती थी कि हम कोई एंटीडोट कर रहे हैं तो फिर मुझे गलत कार्ड आ जाता था, यानी कि फिर टक से काला कार्ड। मैंने उनसे पूछा स्पिरिचुअलिस्ट से कि ये क्या मतलब, हम इतना कुछ पढ़ रहे हैं, ये फिर क्यों आ रहा है? उन्होंने कहा इसका मतलब है हिसार होना, हिसार है कि चार दीवारी के और कोई, और हिसार बहुत उन्होंने स्ट्रॉन्ग करके दिया, और वो सबसे मुश्किल पीरियड था कि हिसार। अब वो लड़की ने मुझे कहा कि इनको बोले कि ये मेरे पे किया किसने है, किया किसने है? वो बहुत कम बात करते थे और हमारी मेन सिटी से थोड़ा दूर रहते थे, तो मैं खास तौर पे बड़ा एफर्ट करके उनके पास गई और मैंने उनसे पूछा कि भाई किया किसने है ये, कि सात वाली दीवार में। अब उस लड़की की सात वाली दीवार के साथ एक ब्यूटी पार्लर था। मैंने कहा एक ब्यूटी पार्लर ने इस पे जादू कर दिए। अब वो लड़की को शफा मिली, वो ठीक हो गई, और वाकई था जो खत्म हो गया और उसका हिसार भी हो गया, लेकिन जिस पे गुजरी हो, जिसने जो बेचारा चल, उसने वेट इतना गेन कर लिया था, इतनी वो ब्यूटी कॉन्शियस थी, उसने सोचा कि यार मुझे पता तो चले कि ये हो क्या रहा है और कोई क्यों करेगा। अब हम तो कभी कभी मजाक में उसके घर में, मजाक में नहीं बल्कि डर के मारे, ब्यूटी पार्लर की लड़कियों को भी देखें कि ये इनको तो नहीं प्रॉब्लम। फिर कार्ड निकाले, क्यों वो उन बेचारियों ने करना था उस पर, तो क्या फिर कुछ जिन कर रहा था जो आशिक हो रहा था? मतलब उन दिनों में ऐसे ऐसी रीडिंग निकाली कि कोई जिन तो नहीं आशिक हो गया। मतलब वो फनी भी होती थी, ड्रॉनी भी होती थी, और बहुत स्केरी होती थी, बहुत स्केरी होती। खैर जब हमने उनसे पूछा कि आप हमें कोई तरीका तो बताएं, तो उन्होंने कहा कि जी मेरा काम हो गया खत्म, इनको करें या जाहिरों का अल्लाह का नाम पढ़ते रहें, बस अल्लाह ने जब जाहिर करना होगा अल्लाह बता देगा। तो फिर वो लड़की ने या जाहिरों, मैंने कहा तुम पढ़ो। एक दिन उसका मुझे मेरे मोबाइल पे फ्रेंटिक फोन कॉल्स आए। शी सेड मरियम मेरे घर आओ, मेरे घर आओ, मेरे घर आओ। गई तो उसने मुझे कहा कि सुनो इस सात वाले कमरे में आना। वो सात वाला कमरा, उसने एक छोटा सा ऑफिस सा बनाया हुआ था जिसमें उसका कुछ स्टाफ काम करता था, और वो नहीं होते साइलेंट पार्टनर्स जहां आपका स्टाफ काम करता है और आप पेपर्स में सिर्फ डायरेक्टर्स होते हो, लेकिन क्योंकि उसका थोड़ा सा एनेक्स टाइप चीज थी तो उसने वो वहां एक ऑफिस बनाया हुआ था, जो हार्डली कभी हमने गौर भी किया। उसका वहां एक मैनेजर था, वो ये जाहिरों पढ़ती रही, जाहिरों या अव्वलों या आखिरों या बातिनों या जाहिरों, मुझे हम लोग जब भी मैंने कहा आई यू रिसाइड या अव्वलों या आखिरों या जाहिरों या बातिनों, अव्वल आखिर और जाहिर और बातिन के राज देने वाला। और मेरा ख्याल है जिस दिल से उस लड़की ने पढ़ा होगा, जिसपे इतनी तकलीफ ये काले जादू की गुजरी थी, उसने कहा मुझे इधर आ। उसने कहा तुम्हें पता है कि मैं और ये जो बंदा है हमारा मैनेजर, उसकी डेथ हो गई है। मैंने कहा है? वो यंग आदमी इतना तो नहीं था, लेकिन अबाउट 52-53 और अच्छा फिट आदमी था। कहती हम बैंक गए, मैंने पेपर पे साइन, चेक साइन करना था, दोनों के होते थे, तो कहने लगी कि उसने कहा मैं अभी आता हूँ। कहती उस दिन मैंने हो या बोलो या आखिर हो या जाहिर हो या बातें पढ़ना शुरू कर दिया। कहते वो बंदा जुमे की नमाज पढ़ने गया, अंदर ही नहीं जा सका, वहां उसके हार्ट फेल हो गया। जब हार्ट फेल हो गया तो वो इनका बड़ा पुराना ट्रस्टेड मैनेजर था, तो फिर इन्होंने घर वालों को बुलाया, और क्योंकि साथ ही एनेक्स में कमरा दिया हुआ था तो कमरे की सफाई कराई, इतने तावीज खौफनाक किस्म के फ्लोइंग लेटर्स में, जो बाद में मुझे पता चला कि ये काले जादू के तावीज होते हैं, और उसे खोलते हुए हम तो मतलब घबरा रहे थे कि जल्दी से इसको नहर में फेंके। उनको हमने फोन किया, उनका जी घर से निकालें, इनको जलाना नहीं है, इनको नहर में फेंकना है। वो बहुत बहुत अभी भी मैं याद करती हूँ तो मुझे डर लगता है। वो मैनेजर उस पे जादू करवा रहा था, क्योंकि वो आधा पेपर का, पेपर में मैनेजर आधा उसकी कंपनी का मालिक था, और उस बेचारी
मासूम लड़की को पता ही नहीं था कि ये भी हो सकता है। दीवार एक, जिसको हम कभी पार्लर समझते थे और कभी शाम का सामने का पेट्रोल पंप ही समझ लेते थे कि कहीं उस बंदे ने दूर की दीवार तो नहीं कह दी, वो एनेक्स की दीवार निकली, या अबलो या आखरो या बातनो या जहरो, पढ़ पढ़ के अल्लाह ने दिखा दिया कि तुम जिसका ढूंढ रहे हो उसका मैं जाहिर करता हूं आज सामने। वो रीडिंग आज की अभी बनाते हुए मुझे ख्याल आता है कि अल्लाह ने उसको कैसे जाहिर किया, और तब मैंने माना कि का, और वो भी एक दिल में ही बंदे को ख्याल आता है ना कि यार किसी स्पिरिचुअलिस्ट से पूछ ले, और लकीली मेरी उससे मुलाकात भी थी। अगर अगर ऐसा ना होता तो जिंदगी मौत तो अल्लाह लेने वाला है, लेकिन वो बिस्तर पे जरूर लेके जाती। अगर आप लोगों को कभी ऐसे लगे कि बिला वजह इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो प्लीज कलाम से ढूंढ के अपने लिए पढ़िए, अपने लिए मदद मांगिए, क्योंकि ऐसी चीजें मैंने विटनेस की हैं, लेकिन शुक्र है कि वो लड़की बच गई। आई थॉट आई विल शेयर इट विद यू।